हरियाणा के फतेहाबाद जिले के गांव अजीत नगर में 5 पंक्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह निमंत्रण पत्र 10वीं कक्षा की छात्रा ने भेजा। पत्र महज बड़ी बहन की शादी में बुलाने के मकसद से नहीं लिखा गया है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों को शादी में बुलावा तो एक बहाना भर है। यहां अपेक्षा है कि प्रधानमंत्री मोदी से उनके कार्यालय से कारण कि 2-2.5 साल पहले इसी गांव की एक अन्य बेटी हरप्रीत कौर के पत्र पर संज्ञान लेते हुए पीएमओ ने राज्य सरकार को गांव का नाम गंदा से अजीत नगर करने के आदेश दिए थे। अब उसी गांव की बेटी सुखो रानी को प्रधानमंत्री से उम्मीद है कि वह गांव में 8वीं से आगे की शिक्षा की व्यवस्था करवाने के आदेश जारी कर देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री को भेजे गए निमंत्रण पत्र में सुखो रानी ने गाँव के करीब 3.5 किलोमीटर दूर मड़ जाकर 10वीं की कक्षा पाने की वेदना नहीं लिखी है। वह बताती हैं कि जब उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी भेजी थी उसमें शिक्षा व्यवस्था नहीं होने का दर्द लिखा था। अब जबकि भाई माना है तो वह जरूर आएंगे, वहीं आकर उसकी जैसी अन्य बहन बेटियों की समस्याओं का समाधान करेंगे। श्री नरेंद्र मोदी को अपनी मेरी 2 बहनें या सिस्टर उनकी शादी पे मैंने बुलाया है, मुझे उम्मीद है कि वो जरूर आएंगे। मेरी इच्छा थी कि मैंने उसको पहले भाई मान रखा है जी, पिछले मैंने 2 साल से 500 पत्र भेज दिए हैं जी, उनके सिर्फ 5 के जवाब आए हैं जी, वो भी सेम है जी। और एक बहन का कार्ड आया है जी, वो मुझे बहुत खुशी हुई उससे, और मेरे पास है, मैंने संभाल के रखा है जी वो भी। और मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था, और मुझे उम्मीद है कि वो अभी ज़रूर आएंगे जी, क्योंकि मुझे अभी लग रहा है जी। क्योंकि यहाँ का शासन तंत्र गांव की सीनियर सेकेंडरी तक के स्कूल की समस्या पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए ये आइडिया आया कि क्यों ना उन्हें पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाए, क्यों ना बड़ी बहन की शादी में उन्हें बुलाया जाए। यही सोचकर उसने 8 दिन पहले डाक से पत्र भेजा, फिर फेसबुक पर, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के जरिए। यही उम्मीद है कि पीएम मोदी गाँव का नाम बदलने के बाद अब स्कूल बनवाने के आदेश जरूर देंगे। इस बेटी के लिखे पत्र पर 3 बेटियों के मजदूर पिता बलविंदर सिंह कहते हैं कि सुखो बचपन से ही ਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਸੁਖੋ ਰਾਣੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਮੇਰੀ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁੜੀ? ਸਾਡੀ ਜੀ 29 ਦਸੰਬਰ ਹੈ ਜੀ, 29 ਦਸੰਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਐਸੇ ਜੀ 29 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਘਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਬਸ ਆ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ। साथ ही जिज्ञासु भी, प्रधानमंत्री जी हमारी बेटी की शादी में तो क्या आएंगे, लेकिन गांव में स्कूल की व्यवस्था करवा दे तो बेटी का मान रह जाएगा।